हरियाणा के रेवाड़ी के वकीलों का भिवाड़ी पुलिस के साथ चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हरियाणा के 5 वकीलों को भिवाड़ी फूलबाग थाना पुलिस ने पिछले दिनों राज कार्य में बाधा डालने के आरोप में 151 में बंद किया था। वहीं इस मामले में रेवाड़ी बार काउंसिल के वकील अलवर SP से भी मिले और वकीलों के साथ अभद्रता करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। मामला भिवाड़ी के फूलबाग थाने का है, जहां गिरफ्तार एक युवक केशव के मामले में रेवाड़ी से आए वकील की थाने में तैनात पुलिस कर्मियों से झड़प हो गई, जिस पर पुलिस ने वकील विजय यादव को शांति भंग के आरोप में बंद कर दिया। रेवाड़ी के अन्य वकीलों को पता लगने पर वो भी भिवाड़ी के फूलबाग थाना पहुंचे और हंगामा किया। इस दौरान भिवाड़ी CO सिद्धांत शर्मा भी वहां मौजूद थे। पुलिस ने उन 4 वकीलों जोगेंद्र राव, सुरेंद्र राव, रविंद्र यादव और दिनेश कौशिक को भी शांति भंग में 151 के तहत गिरफ्तार कर लिया। व्यक्ति को 151 में बंद किया था, जिसमें जो वकील आए उन्होंने आके थाने में थोड़ी इस तरीके से अभद्रता की संधि के साथ, तो इसमें 4 व्यक्ति जो है उनके खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया गया है, 4 वकीलों के खिलाफ, और जो टोटल 5 वकील है उनको शांति भंग में बंद किया। इस मामले में रेवाड़ी बार काउंसिल ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी मामले में उन्होंने अलवर बार काउंसिल से भी समर्थन मांगा है। 11 तारीख को कुछ वकील रेवाड़ी से भिवाड़ी थाने में पहुँचे किसी प्रकरण के मामले में जानकारी करने के मामले, जिनमें उन अधिवक्ताओं का कहना है कि उनके साथ बदतमीजी की गई और उनको 151 में बंद कर दिया गया। जब उनके कुछ 4 साथी वकील साहब और रेवाड़ी के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष यहाँ भिवाड़ी पहुँचे इस घटना की जानकारी करने के लिए, तो उनसे भी वहाँ की स्थानीय पुलिस ने अभद्रता का व्यवहार किया और उनको भी 151 में बंद करके और राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने का झूठा मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कर दिया। इस प्रकरण के लिए एक डेलीगेशन लगभग 300 अधिवक्ताओं का यहाँ अलवर बार एसोसिएशन में आया और हमसे इस प्रकरण में अपनी सहायता मांगी और हमने ज्ञापन सहित SP साहब से मुलाकात की और प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषी जो कर्मचारी और अधिकारी हैं इसमें पुलिस के, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हमने निवेदन किया। इस मामले में रेवाड़ी के लगभग 300 वकील अलवर पहुंचे और SP से मुलाकात की और CO सिद्धांत शर्मा सहित दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। हमारे एक वकील साहब के किसी जानकार को सोमवार से बैठा रखा था। वकील साहब पूछने के लिए गए थे जी किस FIR के अंदर किस जुर्म में इनको बैठा रखा है। वकील साहब के साथ मारपीट की, उनके साथ धक्का मुक्की की, उनको कस्टडी में डाल दिया और उनका पर्चा दर्ज कर दिया। जब हम लोगों को पता चला, हम लोग थाने गए, वही रवैया हमारे साथ बदतमीजी की, धक्का मुक्की की। जब हमने उनकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए कि जी आप गलत काम कर रहे हो, तो वही उन्होंने जो पुलिस का जो गंदा रवैया जो होता है उसको यूज़ करते हुए, मतलब पूरी तरीके से जो फिल्मी जो होता है ना, पूरी तरीके से गंदा और बिल्कुल घटिया तरीके का व्यवहार। समय SHO मौजूद थे, SHO वहीं मौके पे मौजूद थे, उन्होंने भी किया दुर्व्यवहार, वो भी सब एक है। जब SP साहब के पास, जब मैंने इवन जब उनके डिप्टी SP कोई शर्मा जी थे, वहाँ डिप्टी SP आए, जब मैं उनसे मिलने के लिए गया, उन्होंने कुर्सी मैनेजर से बैठना चाहा, मुझे एक आप बैठने की जरूरत नहीं, खड़ा रखो। और मैंने कहा जी वकील और पुलिस का चोली दमन का साथ होता है, बोले ये फिल्मी डायलॉग है, ये फिल्मों में अच्छा लगे। फिलहाल रेवाड़ी बार एसोसिएशन राजस्थान के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया से भी मुलाकात करने वाला है।